इसके अंदर जो दफन था अब उसको निकालने का वक्त आ चुका है। लाइट दिखा। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल से अभिषेक ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और माशाल्लाह सुबह के बज गए हैं 8:30 और हमारे सारे परिंदे हमारे पास आ चुके हैं। ये है माशाल्लाह असील और पीछे घूम रही टर्की। ये देखिए, सबसे हमारी पक्की दोस्ती हो गई है, दोस्ती पक्की, लेकिन खर्चा हमारा ही हो रहा है। कहावत है कि दोस्ती पक्की खर्चा अपना अपना, लेकिन ये सारे परिंदे जो है ना खर्चा मेरा ही करा रहे हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लगते हैं मॉर्निंग। अरे भैया बहुत भूखी है, लो पकड़ो। तो इंशाल्लाह इनको देते हैं खाना पानी, फिर मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद। सुबह का वक्त है और अपना चिड़ियाघर पूरा खुल चुका है, सारे परिंदे बाहर आ चुके हैं। और इसमें सबसे खतरनाक अगर कोई नस्ल है तो वो है कड़कनाथ, जो कि कुछ भी पा जाती है सबके ऊपर हमला कर देती है। तो फाइनली अभी मिसबाउल भाई माशाल्लाह अपने कबूतरों को दे रहा था ना। हाँ, आवाज़ लगाइए मिसबाउल भाई। अरे माशाल्लाह, बस करो भाई बस करो। तो फाइनली कबूतरों को भी मिल गया उनका खाना, और कुछ कबूतर जो नए हैं वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं घर के चक्कर में, मसला सारा घर बनाने का। तो ये देखिए, इसका पुराना घर है, इसमें एक नया आदमी कब्जा करना चाह रहा, तो ये आपस में बहुत ज़्यादा मार बहस हो गई है। अब इनको छुड़ाना पड़ेगा, नहीं तो कहीं खून कच्चर लगा लें। और बटेर हमारे खाना खा रहे हैं, और ये जो पिंजरे में बंद है इसकी थोड़ा सा आँख में प्रॉब्लम है, इसलिए इसको अलग बंद किया हुआ है। माशाल्लाह सब खुशहाल हैं, सफ़ेद देखिए काला देखिए। चलो भैया बस हो गई लड़ाई, तो अभी हम इनको अलग अलग करते हैं। भैया लड़ाई बहुत हो गई, चलो बाहर हो खाना खाओ। चलो इनको भी नहीं, ये दोनों ये जोड़ा है बीवी और शौहर, तो इसको छोड़ देंगे, ये इन्हीं का घर है, वो जबरदस्ती कब्जा कर रहा था। तो फाइनली अभी सबको देते हैं नाश्ता, फिर हम भी चलते हैं नाश्ता करने, मिलते हैं आपसे अपने ब्रेकफास्ट में। तो फाइनली गाइस अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नाश्ता अपना आ चुका है। और नाश्ते में रात का चिकन है ये, आप लोग ये ना सोचिए नाश्ते में चिकन लेते हैं, वरना पब्लिक सोचेगी सुबह उठते ही मुर्गी पालते हुए मुर्गी खाते भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, एहसान है उसका जो खिला दे। करते हैं नाश्ता, मिलते हैं आपसे नाश्ता करने के बाद। तो फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता पानी हो चुका है, और फिर से हम आ गए अपने सेटअप में। और हमने कहा आपको दिखा दें, आज है जुमा का दिन, तो इंसान से पहले जानवर, वो नहाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये है इनका शावर, ये ले रहे हैं अपना शावर, जो कि चिड़िया और परिंदे लेते हैं मिट्टी से शावर, तो इनका शावर हो रहा है। और कबूतर भी शावर ले चुके हैं, और दानिश भाई आ चुके हैं माशाल्लाह। अभी काटते हैं नारियल और पिलाते हैं कौशर भाई को, क्योंकि मॉर्निंग में नाश्ते में नारियल पानी चाहिए इनको, इनको थोड़ा सा अर्जेंट काम पड़ गया है, तो नारियल पानी देते हैं। तो फाइनली गाइस दुक्तूर मोहम्मद कौशर रजा, जो कि बनाने जा रहे हैं इंजेक्शन हमारे असील के लिए, और ये नुस्खा जो है मुकीम भाई का दिया हुआ है, और कल एक इंजेक्शन दिया था तो बेहतर था, अब आज इंशाल्लाह दूसरा इंजेक्शन देते हैं, हो सकता है इससे और बेहतर हो जाए। तो इंशाल्लाह धीरे धीरे हमारे घर के कुछ लोग चिड़िया और परिंदों के डॉक्टर हो जाएंगे। वक्त आ चुका है मुर्गे को एक खुराक देने का, तो उसको पकड़ के लाते हैं और देते हैं खुराक। अभी तो उसने शावर लिया, पूरा एकदम डुमार बन गया है, देखो मिट्टी में खेल खेल के। यही है, हाँ ये है डॉक्टर साहब, और ये है मरीज, यहाँ पे अभी इंजेक्शनबाजी हो रही है। जो डॉक्टर है खुद मरीज है फिलहाल, अल्लाह पाक से दुआ है, और आप लोग भी दुआ कीजिए भाई की तबीयत सही हो जाए और आसानी हो भाई के लिए भी। तो अभी देते हैं इंजेक्शन। तो ये हमारा देखो मुंह दिखाओ इसका, मट्टी में लोट के आया बिल्कुल अभी अभी। चलो डालिए डॉक्टर साहब, सिरिंज लगाइए मुंह में, पूरी सिरिंज अंदर का, एकदम साइड से लगा के अंदर तक डाल देना, अंदर अंदर अंदर। हाँ भाई फूट गया यार हमसे, जबरदस्ती करनी पड़ेगी, बिना जबरदस्ती करे कोई बच्चा दबा नहीं पीता। वैसे ये असील साइड से डाल दो, हाँ डालो जीत करो, डालो अंदर तक डाल दो पूरा, और इसने पी लिया है कोई बच्ची। ये तो चूने नहीं पी, तीन तो इतना वो का पिला दो। तो फाइनली गाइस डॉक्टर साहब और मुर्गा दोनों फ्रेश हैं, पहले से बहुत बेहतर हैं। तो अभी चलते हैं जुमा की तैयारी करते हैं, आज है जुमा के दिन, नहाते धोते हैं नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ये दिखाओ आज एक नई चीज़ फार्म हाउस में बन रही है, इसको बोलते हैं कुवैती सऊदी ओमानी भट्टी, इसमें आज होगा मटन लेग मंदी। तो करते हैं तैयारी मंदी की, फिर मिलते हैं आपसे
सारा सेटअप रेडी करने के बाद, भट्टी खोदने के बाद हम आ चुके हैं अपने गांव, और गांव की मस्जिद में अदा किया नमाज। और ये हमारे पप्पू भाई, जो कि मुद्दतों के बाद देखने को मिले होंगे आपको, ये हिंदुस्तान छोड़ के दुबई शिफ्ट हो गए हैं। और ये अपना कमलेश, एक गिलास पानी लाना, जरा अर्जेंट काम है। और अभी फिलहाल फिटनेस भाई की सेम है माशाल्लाह, आज भी भाई परफेक्ट है। दुबई में धमाल मचाए हुए हैं। पढ़ते हैं सलाम और निकलते हैं यहाँ से, लेते हैं बकरी और कंडा, फिर मिलते हैं आपसे प्लॉट में। तो हमने नमाज पढ़ ली थी, नमाज पढ़ के थोड़ा सा आ गया है, तो आज हमारे अंकल की बेटी के यहाँ है मैन, तो यहाँ पे चल रहा है प्रोग्राम। जमीन यहाँ पे बराबर हो रही है, सकलैन भाई और सकलैन भाई के सारे भाई, हम सब लोग मिल के जमीन को बराबर करवा रहे हैं। फिर उसके बाद जाएंगे खेत, वहाँ काटेंगे बरसीन। माशूक भाई लेके आए ट्रैक्टर, तो भैया बराबर करवाते करवाते जमीन। ये आ गए हमारे जमीर खान, जो कि यहाँ के बहुत बड़े माशाल्लाह प्यार मोहब्बत से नेता हैं, प्यार मोहब्बत से विधायक हैं, प्यार मोहब्बत से पूरे गांव के प्रधान हैं। इन्होंने सबका दिल जीता हुआ है। और ये इनका राइट हैंड मोहम्मद फैजान, जमीर खान इसके बगैर एक कदम नहीं चलते। और जमीर खान ने इनको ठोक दिया था गाड़ी में डाल के, तो फिर कह रहे हैं हम तुमको अब कार में घुमाएंगे। तो इनका प्रमोशन हो गया है एक्सीडेंट के बाद, ये प्रमोशन हो गया एक्सीडेंट करने के बाद, इसको कार से घुमाते दे लोग जा रहे कार। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। चलो हसन, ये अपना हसन पहले गए। हम पहुंच चुके हैं अपनी चच्ची की बरसीन में, और सब्बीर हसन की बरसीन बाद में काटेंगे, आज चच्ची की बरसीन मिल गई। सामने हमारे दिख रहा है दादा का ट्यूबवेल, और ये है नजमी दादा का, और सामने आपको ये सेटअप दिख रहा है, ये है मशरूम का सेटअप। इंशाल्लाह किसी दिन आपको दिखाएंगे पूरा व्लॉग मशरूम का बना के। और यहाँ पे लगे हुए टमाटर, लगी हुई है मेथी, और कुदरत का निज़ाम है कि सर्दियों में इस तरीके की चीज़ें होती है जो गाय खाती है, भैंस खाती है, फिर दूध निकलता है उनसे, दूध इंसान खाता है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, उसकी नेमतों का शुक्र है। काटते हैं बरसीन। और एक बात आपको बता दें कि ये हमारी चच्ची भी है, और ये हमारे सब्सक्राइबर भी है, और ये हमारी फैमिली भी है। तो मोहब्बतें हमको हर जगह से मिलती हैं, और जिससे हम कह देते हैं वो मना नहीं करता, भैया जो चीज़ चाहिए आप ले लो, क्योंकि आपकी ज़बान से आप जूता भी खा सकते हैं और मिठाई भी खा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या खाना पसंद करेंगे। तो अभी हमने चच्ची से बात की, चच्ची ने कहा लाला काट लो, जितनी काटना है इतनी काटेंगे, खरगोश के दो दिन खाने का हो जाए, क्योंकि व्यवहार में उतना काम करो कि आदमी मरे ना, व्यवहार भी बरकरार रहे, है कि नहीं भाई। तो मिलते हैं आपसे बरसीन काटने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम पहुंच चुके हैं अपने प्लॉट में, और बरसीन हमने रख दी चेयर पे, इनको काट के डाल दिया है, और खरगोश लोगों को भी थोड़ी सी दे देते हैं। फिर उसके बाद ये दे दिया खरगोश लोगों को, अब ये खुश हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखते हैं क्या प्लान है हमारा आगे का, तो जब तक सारे परिंदों को दे देते हैं खाना। फाइनली गाइस, मंदी की तैयारी हो चुकी है, आग अपनी भड़क चुकी है, और बकरे की लेग, पूरा समूचा मुर्गा माशाल्लाह लग चुका है दम में। तो फाइनली गाइस, इसको कर दिया दफन, और अब ये भमंग में बढ़िया शानदार पक जाएगा। फिर एक घंटे बाद तकरीबन इसको खोला जाएगा, अभी बजाय 5-6 बजे इसको निकाला जाएगा। फिर आपको दिखाते हैं कि इसकी क्या अपडेट है, कहाँ तक पहुँचा ये। तो फाइनली गाइस, जब तक मंदी की तैयारी हो रही थी हमारे घर, हमको मिल गया रसगुम्मा। ये इतना बड़ा गुम्मा की तरीके रसगुल्ला है, हम डर गए, हमने कहा ये कौन लाया। जब तक उधर दम में लग रही है मंदी, तब तक इधर एंजॉय करते हैं रसगुल्ला में, फिर आपको दिखाते हैं खोल के। तो फाइनली गाइस, इसके अंदर जो दफन था, अब उसको निकालने का वक्त आ चुका है। मिसबाहुल हसन चला रहे हैं फावड़ा, तो मिसबाहुल हसन चला रहे हैं फावड़ा, और इंशाल्लाह 2 मिनट में दिखाते हैं आपको रिजल्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 3-2-1 पिल्ले। पहला राउंड हो चुका है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दूसरा राउंड। जज़ाकअल्लाह भाई, अभी मामला थोड़ा सा आग मांग रहा है। हाँ, ये जो पानी छुआ है ना, हुआ थोड़ा सा ओवर छुएगा है, लाइट दिखा, ले लाइट देखो, एक्सपेरिमेंट जो है थोड़ा लूज है, और आग चाहिए इसको, आग फुल और चाहिए। कोयला देखो, कोयला मत दम है।